ये हम जानने के लिए दो सहयोगियों का रुख कर रहे हैं। विवेक त्रिपाठी हैं हमारे साथ लखीमपुर से और रतीश है बहराइच से। रतीश का रुख करते हैं क्योंकि रतीश के पास पीड़ित परिवार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि अब जब उनके पास राजनीतिक दल आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी सोच क्या कह रही है। बिल्कुल, देखिए ये बंजारन टाड़ा गांव पहुंचे थे अखिलेश यादव और पीड़ितों से मुलाकात की थी। मुलाकात करीब आधे से पौन घंटे के बीच चली और सीधे तौर पर अखिलेश यादव जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि पद पर रहते हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए न्याय नहीं दिलाया जा सकता, उनको पद से हटाना ही होगा। और ज़्यादा क्या डिटेल में बातचीत करी है, जो दलजीत सिंह हैं जो मारे गए हैं इस घटनाक्रम में, उनके चाचा सरदार चरणजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चरणजीत जी, आप काफ़ी डिटेल में बातचीत कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे अखिलेश यादव आपसे और आपने क्या बताया? अखिलेश यादव जी आए हैं जो हमारे, उनके यही रिक्वेस्ट किया है कि जब ये हमारे साथ घटना घटी है उसके बाद में प्रशासन ने यही, यूपी प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश ने यही हमारे से कहा है भाई आप जाइए ले जाइए बॉडियों को, तो हम आपका जो मांगे हैं पूरी कर दीजिए, वो तो मतलब एक हफ्ते का टाइम दे दो, एक हफ्ते के अंदर अंदर अरेस्ट कर देंगे। तो अजय मिश्रा को हम इस्तीफे की मांग किया था तो उन्होंने वो भी मंजूर कर लिया था। पहले हमने कहा पहले वो करोगे तभी हमारा ये करने देगा, नहीं मंत्री जो है उसका जो है तो उसका वो अपने बेटे को कैसे हमारे से वो करने देगा। तो उन्होंने सारा आश्वासन दिया है तो उसके बाद में फिर आज ये हमने ये सुन लिया है दुखदायी घटना कि वो नेपाल को निकल गया है जी। हाँ जी, हाँ जी, शीश मिश्रा जो है नेपाल को चला गया है, भाग गया है। तो ये तो हमारे साथ बहुत धोखा सरकार ने किया है। अखिलेश जी ने फिर ये कहा है, आज अखिलेश जी हमारे पास आए हैं, उनके आगे हमने बेनती किया है कि हमारे से न्याय दिलवा दीजिए। तो बहुत ही हमारे से तो ये इन्होंने मतलब न्याय दिलवाने के लिए हमारे साथ और धोखा किया है। तो उन्होंने आज ये कहा कि हम आपको न्याय दिलवा करके ही रहेंगे। एक चीज़ और बात निकल कर के आ रही है कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो बाहर निकल के आए, उन्होंने कहा, उन्होंने एक बार फिर से कहा है, वो तो पहले भी कह रहे थे और एक बार फिर से कहा है कि उनका बेटा निर्दोष है और बेटा पुलिस के सामने जाएगा। क्योंकि अब हम चलिए समझने की कोशिश करते हैं लखीमपुर में भी बहुत सारी हलचल है, विवेक बताएंगे। जी विवेक जी, इसने लता यहाँ पर सुबह से ही इस बात की चर्चा है कि किसी भी वक्त जो आशीष मिश्रा हैं उनको हाजिर किया जा सकता है, उनको हिरासत में लिया जा सकता है। सुबह से ही चर्चा है, चूंकि ये भी सूचना मिली थी कि कल तक उनकी लोकेशन नेपाल में पाई गई थी। जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि कल दोपहर तक उनकी लोकेशन नेपाल में थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ है क्या है, चूंकि उनके सारे फोन नंबर बंद हैं तो पुलिस लोकेट नहीं कर पा रही है। जो आसपास के लोग हैं, जो इनके घर के आसपास के लोग हैं उनको वॉच किया जा रहा है, जो बनवारीपुर उनका गाँव है तिकुनिया के पास वहाँ उनको वॉच किया जा रहा है। हम इस समय घर के बाहर ही खड़े हैं और अभी अभी पुलिस ने दूसरा नोटिस उनके घर पर चस्पा किया है, एक नोटिस कल चस्पा किया था जिसमें कहा गया था कि आज यानी 8 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक वो अपने पक्ष में जो भी एविडेंस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, जो उनके पास साक्ष्य हैं, जैसे वो अपने आप को निर्दोष कह रहे हैं कि वो मौके पर नहीं थे। बिल्कुल, तो पुलिस ने कहा कि आप जरूर नजर बनाए रखिएगा, पूरे दिन हम आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि अब देखिए बहुत सारी मूवमेंट है, चाहे अकाली दल की ओर से हो चाहे सिद्धू हो, इनका आना और शाम को 6 बजे के बाद माना जा रहा है कि खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिस घर के बाहर हमारे सहयोगी विवेक खड़े हैं वहां मौजूद रहेंगे। तो देखना होगा कि किस तरीके की घटनाक्रम है, इस पर हमारी नजर आप लोगों के जरिए बनी हुई है। शुक्रिया रतीश, शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आई है, नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। तो कल से जद्दोजहद के बाद आज फाइनली अब जो बड़ी अपडेट आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं।